गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जैसे कि हम रॉबिन्सन क्रूसो लेसन 3 कर रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं ओपन योर बुक्स टू लेसन 3 अपनी बुक्स खोल लीजिए लेसन 3 रॉबिन्सन क्रूसो ओके और उसको फॉलो करिए बुक में फॉलो इट इन योर बुक्स वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन गुड वेदर ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट किसने लिखी है रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवल है आई टोल्ड यू यस्टरडे इट्स अ नॉवल उसमें से एक स्मॉल पार्ट लिया गया है ये पूरी नॉवल है उसमें से एक स्मॉल पार्ट लिया गया है स्टोरी वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज हमने स्टार्ट किया अपना ट्रैवल करना इन गुड वेदर में बहुत अच्छा सा वेदर था उसमें ट्रैवल करना शुरू किया ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट बहुत हॉट थी देन ऑल्सो वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग आफ्टर अबाउट 12 डेज तक वो जो है ट्रैवल करते रहे किसमें सी में वो ट्रैवल कर रहे थे अब फॉर अबाउट 12 डेज तक ट्रैवल करते रहे अ वायलेंट टोर्नाडो केम फ्रॉम द नॉर्थ एक बहुत वायलेंट मीन्स डेंजरस तूफान जो है नॉर्थ से आया द वेव्स रोज हाई जो पानी में जो वेव्स उठती है वो इतनी बहुत तेज वेव्स उठने लगी द स्काइज वर ब्लैक स्काइज क्या थी एकदम ब्लैक हो गए एंड द विंड हाउल थ्रू द सेल्स और विंड बहुत तेज चलने लगी डराने लगी टू मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड एंड आफ्टर डे और टू द शिप बिगन टू लीक टू मेंबर्स क्या थे टू मेंबर्स ऑफ द क्रू इतनी तेज तूफान आया कि दो लोग तो एकदम से वहाँ से हट गए गिर गए पानी में एंड आफ्टर अ डे और टू द शिप बिगन टू लीक और एक दो दिन कितना तूफान चल रहा था कि एक दो दिन तक चलता ही रहा और एक दो दिन बाद क्या हुआ शिप क्या हुई लीक करने लगी वी चेंज आर कोर्स एंड ड्रॉव आउट ऑफ द हरिकेन बट द नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस हम लोग ने अपना रास्ता बदल लिया जो शिप पे लोग थे उन्होंने कहा कि वी चेंज आर कोर्स मीन्स वे रास्ता वी चेंज आर कोर्स एंड ड्रोव आउट ऑफ द हरिकेन हमने अपना रास्ता चेंज कर लिया और तूफान से बाहर निकल आए हरिकेन इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ स्टॉर्म बट द नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ Again, dangerous storm attacked us. We could see the shore of some unknown land, but the sea was very rough. हम देख सकते थे कोई वहाँ पर लैंड था हम लोग देख सकते थे हम लोग ना जानते नहीं थे अननोन लैंड था मतलब हमारे लिए अननोन था हम उसे जानते नहीं थे लैंड को हम लोग देख सकते थे कि देर से लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ द रेन डैश डाउन एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड लेकिन सी क्या थी बहुत रफ थी मतलब उसमें बहुत वेव्स उठ रहे थे बहुत तूफान आ रहा था रेन जो है डैश डाउन रेन बहुत तेज हो रही थी और हमें डर लग रहा था कि हम कैसे लैंड के पास पहुँचेंगे अप्रोच मीन्स पास पहुँचना नियर टू द लैंड एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच हमें डर लग रहा था लैंड के पास पहुँचने से आर ओनली होप वॉज टू क्लाम्बर इन टू द सी एंड वी आर जम्प्ड इन टू दी आर ओनली होप हमारे पास सिर्फ एक ही होप थी वॉज टू क्लाम्बर इन टू द सी And we jumped into it. We rode with all our might, but the waves were like mountains. हमारे पास बस एक ही थी कि हम jumped कर दें sea में jump कर दो किसी तरीके से land पे पहुँच जाएँ But
हम लोग ने अपनी पूरी कोशिश से जो है वो शिप को रोक किया, चलाया वहाँ माउंटेन के पास पहुँचने की पूरी कोशिश की। ओके, सो ये शिप रैक्ड मीन्स शिप पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ये दिस इज द स्टोरी अबाउट शिप रैक। शिप रैक मीन्स शिप पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत ज़्यादा तूफान आया सी में, जिससे कि शिप क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ एक ही मेंबर जो है वो बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। ओके, सो आप लोगों के पास बुक्स हैं, उस बुक्स को खोलिएगा। लेसन 3 रॉबिन्सन क्रूसो, फर्स्ट पेज में फर्स्ट पैराग्राफ ही है। अंडरस्टूड? सो उसको एक्सप्लेन जो हमने किया, उसको आप बुक खोलिए, और जहाँ आपको समझ नहीं आता है, यू ऑल कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है, इन योर इंग्लिश लिटरेचर पीरियड। थैंक यू क्लास।